अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबका आपका अपने चैनल जिसका नाम है रूल्स ब्रेकर्स। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। ये क्या कर रहे हो, अपने भाई के साथ ज्यादती कर रहे हो आप, गलत बात है। जाकर पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना आपने, ठीक है। लाइक भी करना है, जो मर्जी हो जाए लाइक। बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कम नहीं, बहुत कम आ रहे हैं, तो लाइक भी करो, ठीक है। सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइबर 12,000 हो गए हैं, तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। 12,000 सब्सक्राइबर के लिए आप लोगों ने इतनी सपोर्ट दी है, तो इंशाल्लाह ये 12,000 से भी ऊपर हो जाएंगे। 1,20,000 भी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को प्यार और सपोर्ट देना पड़ेगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं देता हूँ रिएक्शन। मुझे काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, हर्ष शेट्टी जो कि मेरे बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आला और बहुत ही अच्छे दोस्त प्लस सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कहा था काफी बार कि स्पाइसी चिकन चैलेंज पर रिएक्शन दें। तो आप सबको पता, जैसे कि मैं रिक्वेस्ट लिख के रखता हूँ, तो स्पाइसी चिकन चैलेंज पार्ट 1 पे रिएक्शन दे के आ गया हूँ। इसके बाद पार्ट 2 है, क्योंकि ये रिक्वेस्टें दोनों एक साथ आई थी, तो इसलिए नंबर वाइज होंगी। तो आप सबको पता है कि रिक्वेस्टें नंबर वाइज ही पूरी होती है। अगर आप चाहते हो आपकी रिक्वेस्ट जल्दी पूरी की जाए, तो आपने चैनल की मेंबरशिप ले लेनी है और मुझे बता देना है कि आपने चैनल की मेंबरशिप ले ली है, ताकि आपकी रिक्वेस्ट जल्दी पूरी हो जाए। तो आइए मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इसके बारे में बात, स्टार्ट करते हैं। हो जा। हे गाइस एंड वेलकम टू रिमोरो व्लॉग्स। तो आप सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ? हाँ। मैं सटल स्लीव्स। तो जो इस चैनल के लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, जो पहले से देख रहे हैं, वो मुझे पहचानेंगे। मतलब एक्चुअली ना, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कोलैबोरेशंस करवाए हैं। जैसे आपने तो देखा ही होगा रिमोरो व्लॉग्स और मोहसिन खान का कोलैबोरेशन। मोहसिन खान का देखा वाला जिसमें मोमो चैलेंज हुआ था, वो मैंने कराया है, यू नो, उसमें मैंने भी देखा नहीं हाथ था। और फिर उसके बाद में 2 हफ्ते बाद एक और वीडियो आई थी जिसमें था रिमोरो व्लॉग्स और मोहसिन खान फिर से, जिसमें उस पे हमने देखा था, मैंने प्रैंक क्या किया था हमने, यस हमने prank. किया था प्रैंक मोहसिन खान पे, उसमें भी मेरा काफी हद तक हाथ पैर था। सो यू नो सटल स्लीव्स। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये लड़के को हटाओ, इस हैंडसम लड़के को और नहीं देखना हैंडसम नहीं है भाई, आप साइड पे वीडियो चालू करो, जो टाइटल है वो वाला चैलेंज शुरू करो। तो आ जाओ चैलेंज शुरू करते हैं। नींद उड़ जानी चाहिए इस वीडियो से। वेलकम बैक। तो आज का चैलेंज इंट्रोड्यूस करने के पहले आपको इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे गेस्ट से। तो जो हमारे गेस्ट है, बड़े ही उंडा लोग है, बड़ी अलग विचित्र पर्सनालिटी लोग है, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स है, मतलब मैं बोलूंगा इंडिया के बेस्ट यूट्यूबर्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑफ कोर्स रिमोरो का री छोटा मोटा मुंडा ऋषि देव। अपने चैनल पर अपनी होस्टिंग, मतलब अपने एज अ सेलिब्रिटी, बड़ा अजीब सा लगता है। सॉरी, आई विल कम अगेन, मैं बातें करते आ गया। हाय वेलकम टू आवर शो। ये जो बंदे हैं ना, दिल खुश कर देते हैं यार, सच्ची बोलूं। यस, सो ऑनर्ड एंड हंबल्ड कि आप आज आ पाए। लाइट काट रहे हो, क्या कर रहे हो? आई एम सो सॉरी। एक और ले लेते हैं। बोल यस, सो हंबल्ड आप आज आ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे ही बुलाया इस पूरे चैट शो में। क्या सबसे और भी कौन कौन है? और है ना हमारे साथ लोग। कौन है? मिलोगे तो हमने रिमोरो से ले लिया री। ओके गौरव, अभी हम बुलाएंगे रव को। अच्छा, जो रव है उसमें तो एटीट्यूड ही बड़ा आ गया, नया शो कर रहा है वो। होता है, आर्टिस्ट लोग है, कभी कभार एटीट्यूड आ जाता है, रखना चाहिए कभी कभार, रखना भी चाहिए। तो जो मेरे बड़े भैया है, उनका जो छोटा भैया है, लेट्स कॉल हिम गौरव वाधवा। जो वाधवा है, मुझे तो आप पहले बताओ ये चिंपैंजी वाली चाल आपने कहां से सीखी? थैंक यू आप लोग, थैंक यू सो मच। मेरा भी लिंक है नीचे, सब्सक्राइब करो भाई। ये 2 मिलियन हो गए। यस यस, री हो गया, रव हो गया, मो को तो बुलाना पड़ेगा ना। ओह यस, सो लेट्स कॉल अ वेरी हैंडसम है। वेरी ओए हैंडसम नहीं, ब्यूटीफुल। मारेंगे भाई, मारती है। हां तो ठीक है, तो अभी बुला दे हम मो को। मो मो ये क्या ये क्या हो गया किधर है? वेलकम, पहले वेलकम बोलते हैं। मोहिना पे लगा हुआ शूटिंग कर रहे होंगे। नहीं, वो मोहिना नहीं आ पाई, तो उसने मुझे मुझे मोहिना क्यों नहीं आ पाई? लेकिन आपसे मिली थी मोहिना। वो हम लोग आराम से बाद में बात करेंगे, पहले पहले बट सब सब ठीक था। इसकी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं वो तो आपकी बहन थी, सॉरी। इसकी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए, वाइफ तेरी होगी अब, वो सुयश की होगी। लेकिन यार बात बंद करो। नहीं सब वो ठीक है जहां तक मुझे अब तक लगता है, लेकिन लेकिन हमें ये शो खत्म करना चाहिए। शो खत्म कर दो, आजकल शो खत्म ही तो हो रहे हैं। अजय ड्रामे की बातें कर रहे हैं, शूटिंग चाहिए, नाइट चल रहा है मेरा, तो अभी अभी शुरू हुआ। मुझे एक्चुअली लास्ट एक मैसेज आया था कि अब से जो मो है वो मोहसिन
कर सकता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है, लड़की ने खुद ही बोल दिया, हम चाह रहे थे। यार पाजी कल ही तो टीजर आया, लोगों ने पसंद किया। हाँ यार, और जो वीडियो बाद में देख रहे हैं तो बोल देंगे हमने टीज किया, हमने टीज किया, चिढ़ा दिया, निकाल दिया। गाइस गाइस मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बट पाजी क्या वो शादी के मतलब नहीं आया? आई हैव नो आईडिया। मैं और इस वक्त उससे बात नहीं कर सकते। या अल्लाह, टाइम जोन में डिफरेंस है ना, शी इज ओवर एक्टिंग हो गई है भाई। आपने जो फोटो डाली इंस्टाग्राम पे, तो मोहिना को एडिट करके क्रोमा पे इनका एक इसी सूट यही एक ये ग्रीन में पेंट करता हूं, कट करके इनको लगा देना। आपको कैसा लग रहा है इधर आके? सज्जाद खान सटल वो यार, ये तुम घर पे कर लेना। आपको यार कितना ये मतलब फॉर्मल मिलते हैं ना, तो ये पहन के भैया है। सो गाइस नाउ इट्स री मो और मैं एंकर हर वीडियो में अभी से मैं होस्ट रहूंगा शायद वो इंशाल्लाह ताला। तो जैसा आपने टाइटल देख लिया होगा, आज का जो चैलेंज है ये है हॉट वंस चैलेंज। अबे यार वो अंग्रेजों का चैलेंज है, हमारा है स्पाइसी चिकन चैलेंज। यार नहीं, एक बार अंग्रेजों का क्या है? हॉट वंस, हॉट वंस। तो हमने क्या सोचा दूसरी बार क्या होता है? तो अभी क्या होता है, पूरी दुनिया रिमोरव की कॉपी कर रही है, चैलेंजेस कर रही है। yes. तो हमने सोचा हम भी थोड़ा इंस्पिरेशन मैं भी करने वाला हूँ, याद रखना। ये का तो कुछ ऐसा है कि हम इस वक्त के बारे में बात करते हैं। नहीं नहीं एक बार नहीं एक्चुअली क्या है एडिटर मैं जोर से बोलो एग्जैक्टली पता नहीं क्या हो रहा है, पर इस व्लॉग के बाद ही बात कर सकते हैं। बट मोहिना का हुआ क्या पाजी? लेकन लोगों का दिमाग तो 10 मिलियन 12 मिलियन खराब हो गया। मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे बस उसके नाम मुझे कुछ नहीं पता। जितनी Take two action. जितनी जल्दी भाग के आ सका उतनी जल्दी। लेकिन भागा क्यों? उसको ले ही आते। नहीं मैं आया ना। तो वो क्लियर है कि मोइना नहीं आ रही। नहीं क्लियर है? नहीं आ रही। तो सीजन थ्री मोहसिन खान है। Yes, yes. So season three जो मो है वो है मो मो और मैं होश रहा हूँ। ये हमारे साथ टीज़र किया थे इन्होंने ना। टीज़ हो गया, आप मतलब चिढ़ा दिया हमने आपको, टीज़ कर दिया। ये कहीं मुझे पहले पता होता तो मैं भी पैसों को फ्रीज कर लेता। टीज़ चलो और जिन लोगों को भी मोहिना पसंद है वो सिर्फ टीज़र देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में नहीं वो दिखता। हाँ, क्योंकि उससे फिर आधे बजट में मैं आ गया। चलिए बाद में एडिट में काट ही दूंगा अगर आप चाहते हैं। चलो ठीक है। तो आज का जो चैलेंज है ये स्पाइसी चिकन चैलेंज। ओके, बहुत सिंपल है। पर कोई नॉनवेज तो वेज होगा तो फिर क्या करेगा? है एक वेज है यहाँ पे, तो पापड़ खाएगा। आई एम वेज। तो ये क्या टाइटल गलत है फिर इसमें? मैं रिमोर ब्लॉग्स के लिए मैंने आपको बोला था मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन नॉनवेज नहीं खा सकता। ये कौन सा नॉनवेज? ये ज़बान की बात, ये जिंदा मुर्गी नॉनवेज नहीं खा सकता। लेकिन जैसे जो मुर्गी थी वो वेजिटेरियन। ओके, तो हमारे पास हम तो आपके लिए मुझे मुर्गी के मेडिकल गंदा वाला था, उसके बिना मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए उसकी कि उसने क्या क्या खाया है पूरे सुबह शाम और क्या क्या निकाला है अंडे के सिवा। हमने आपके बारे में सोचा, आप इतना अहम हिस्सा हो। वेरी गुड, वी हैव पनीर फॉर यू। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कटोरियां भर रखी हैं किस बारे में, मतलब क्या है? तो ये लेवल से अलग अलग नॉर्मल से चैट से होगा, एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे, बातें करेंगे। ओके, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल 1 2 3 4 5 ज्यादा ज्यादा तीखा बढ़ता जाएगा, तीखा हो जाएगा और स्पाइसी हो जाएगा। तो चलिए अभी ओके गाइस, स्वागत है आपके इस चैलेंज पे और अभी शुरू करते हैं। भाई अपना यही है इसे होस्ट प्रेशर भी इस पे ही है। तो तुम कौन से टोन पे जाओ? नहीं मैं सोचा बच्चन बन जाते और जैसे जैसे हम स्पाइसी खाएंगे वैसे बच्चन सब भाई। ओ यार वाह यार क्या बात निकाली है। हॉलीवुड चली 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 यो चली। तो अभी सीधा आते हैं चैलेंज पे और सवाल शुरू करते हैं। तो पहला सवाल होगा ऋषि भाई से। चैलेंज का नाम ही नहीं लिया हमने पूरा एक साथ सबने। हाँ सब साथ में। हाँ सब साथ में। चैलेंज का नाम क्या नाम है? तो चैलेंज का नाम है स्पाइसी चिकन चैलेंज। यार इसमें वो पनीर भी है तो स्पाइसी नहीं चिकन पनीर चैलेंज। तो पहला सवाल आप तीनों से जी, अगर आप एक्टर नहीं होते, आप आर्टिस्ट नहीं होते तो आप क्या होते? तो ये है लेवल 1 ओके चिली सॉस। ओके, इसको आप करेंगे डिप और देंगे आपके पहले सवाल का जवाब। कुछ खास चिली लग नहीं रहा है, ये लेवल 1 है इसलिए तो हमने लेवल 1 रखा। ये तो लेवल 1 है, आगे आगे आंखों से जब आंसू निकलेंगे। ओहो आंखों से और कहां से निकलते निकलते हैं गुलजार साहब से रोते हुए नाक से भी निकलते हैं आंखों से जब आंसू। अरे ठीक है यार होता है यार। नॉट दैट स्पाइसी, मेरे सॉसेज बहुत स्पाइसी, आपको धीरे धीरे पता चलेगा यार ये तो
मुझे लगता है मैं सिंगर होता। ओके ये आपको लगता है? ये आपको लगता है? आपको क्या लगता है? पहले इनको लाइन से नहीं है, आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? एक्टर नहीं होता तो मैं एक्ट्रेस होता। क्यों? तो मैं विग पहन के कुछ कर लेता मगर करता इधर ही कुछ ऐसा कैमरा के ही आगे। मैं अगर एक्टर नहीं होता तो मैं एक्ट्रेस नहीं बोल सकता। नहीं एक्ट्रेस नहीं बोलूंगा, एक्ट्रेस नहीं, मैं क्रिकेटर होता। कौन सा? मतलब बैट्समैन बोल रहा है क्या करता? कौन सा? मैं रोहित शर्मा। कौन सा क्रिकेटर? ये कोई गेम खेल रहे ओपनिंग बैट्समैन। ओपनिंग बैट्समैन क्योंकि मैं अपने स्कूल डेज से अपने स्कूल के लिए ओपन कभी नहीं करता था। मुझे बिल्कुल नीचे लेके जाते थे, बिल्कुल 11वें नंबर पे उतार देते। ओए चार सोडा बोतल खोलना होता था ओपनर ला। तो रिमोरा तो 1.5 साल से है जी, मगर आप YouTube पे कितने साल से हो? ये तीनों से सवाल है? नहीं नहीं अलग अलग है, अलग अलग है, इंडिविजुअल लेवल 2। ओके आप रिमोरा, आप YouTube पे कितने सालों से हो? बड़ी मूवी आ गई। मैं YouTube पे कुछ करीबन क्या आवाज किस होता है अभी तो मुझे लगा मैं YouTube पे मैं YouTube पे है ही तकरीबन 12 साल से हूँ। और पहले आप क्या कंटेंट डालते थे? मैं वैसे डाल देता हूं। मुझे पता है ये पहले बताओ क्या डालते थे। नहीं मैंने भी इनका कोई पुराना वीडियो देखा है। मैं रिवील कर रहा हूं बट इनका चैनल वाला कुछ नहीं बताने वाला। नाम मत बताओ, वीडियो कैसा था, कंटेंट क्या था? ब्लॉग यार थे, नई नई फिल्मों के गाने आते थे ना जो वायरल होने वाले होते थे तो पहले बनाते थे। हां उनके नहीं उनका पहले ही टाइटल डाल देते थे और वीडियो में कुछ और ही चल रहा है, गाने कोई और ही चल रहे हैं मतलब, और उससे व्यूज लेते थे। कोई और सिंगर आता था मैंने बोला इसको स्पाइसी नहीं लगा, इससे पहले से नाटक क्या अभी कूल हो गया। चलो क्योंकि इनको रिमोरव की इज्जत का सवाल है। बेटा जी आओ तो सुना है आपको भी कभी क्रिकेट का बड़ा शौक था, क्या हुआ फिर? वो प्रॉपर लो प्रॉपर टीके के साथ। अब देखना जरा मेरे को बुरा नाटक कर रहे हैं। हाँ आएगा अभी। तो क्रिकेट का शौक तो था तो फिर समझ में आ गया कि औकात के बाद सिलेक्शन के लिए भी गया था पर फिर चुपचाप वापस आ गया। तो आपको टीवी पे रहना है कि आपको डिजिटल पे जाना है? मुझे अपने घर पे रहना है सबसे पहले। मैं सॉरी पहले खा लेता। पहले खा के उसको रिएक्शन। आई थिंक इतना स्पाइसी नॉर्मल ही है, मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में यहाँ पे लगे जी, यहाँ लग गया। ये पक्का एक्टिंग कर रहे थे? एक्टिंग ही पक्का एक्टिंग कर रहा है। जस्ट बिकॉज़ तुम दोनों काम कर रहे हो इसको ये नहीं कि ये दोनों एक्टिंग नहीं कर सकते। ऑडिशन की तैयारी करो। हाँ दोनों वही कर रहे हैं एक्शन। हाँ मेरा जवाब अगर टीवी या फिर डिजिटल क्या बोलूँ यहाँ तो चारों तरफ के लोग हैं। मैं जो ज्यादा लोग मेरे पास होते हैं जिस फील्ड से होते हैं मैं वो आंसर दे देता हूँ। बढ़िया टीवी के लोग काफी डिप्लोमेटिक है आप। यस खास जवाब यही है डिजिटली मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इन चीजों की। मैं सिर्फ रिमोट में आ जाता हूँ क्योंकि मैं प्यार करता हूँ फैमिली से शुरू किया था। अभी भी मैं इतना नहीं जानता हूँ यूट्यूब के बारे में ज्यादा बट या टीवी के बारे में आई लव टीवी। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा टीवी पे काम करता रहूँ, अगर फिल्म में नहीं भी मिली तो टीवी तो करता रहूँ। इससे मैंने बता दिया 10 साल बाद यू विल लव योर बीवी आल्सो। आई विल लव माय बीवी बिकॉज़ यू लव टीवी। अभी अगला है सवाल है जो आप लोगों ने मैकडॉनल्ड्स में खाया होगा पेरी पेरी सॉस जो माना जाता है कि सबसे तीखे सॉसेस में से एक है। इसमें माशाल्लाह वाला डिप कीजिए। स्मेल तीखा? स्मेल ना डोंट पता चलता है तीखा? मुझे पता वो अगर पेरी पेरी दिन पता मुझे अगर पेरी पेरी सूखी हो तो चढ़ जाएगी फिर पता चलता है। ओ तेरी दी ये जबरदस्त लगने वाला। करो खुश रहो। ओए तुम भी दो पनीर के पीस उठाओ हमारे पीस दे रहे हो। हां ये फिर मजाक हो रहा है एक्चुअली यार मजाक हो रहा है। दो बड़े-बड़े पीस इसके बालों से लाइट कट रही है। ये लो बालों के साथ लाइट कट रही है मेरी इसके साथ जिंदगी कट रही है वो नहीं तुम्हें दिख रहा। रेडी रेडी रेडी। तो अभी तीसरा सवाल आप तीनों के लिए पेरी पेरी सॉस के साथ सटल स्नीव्स के सारे वीडियोस किसने देखे? मैंने नहीं। एक आध दो तो देखे होंगे। वो मैं था उसमें एक देखा है। टर्निंग ऑन टू यू ये तो पानी ले आए टीका नहीं है ये क्या था? ये पाजी ये सब तीखा है लेकिन हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। क्या बात कर रहे हो? ये वो बात है। अब जवाब दो पहले। मैं बोला ना दो दो लेवल बाकी है। ये तो बकवास है। आपने कितने वीडियोस देखे? दो सॉसेस है सटल स्लीव्स कितने देखे? शर्म नहीं आती? अबे वो तू उसका भाई है वो वीडियो देखे था। मैंने सारे वीडियोस देखे थे सारे। अफसोस अफसोस क्योंकि कितने वीडियोस में मेरे अब्बा अम्मी हुए तो उनके लिए भी देखे। अच्छा फिर ठीक है। हां वो क्या हिसाब किताब है? वो क्या हो जाता है अभी स्क्रिप्ट लिखते हैं वैसे कि उसमें फादर का कैरेक्टर अब बोला खुद प्ले करने से अच्छा घर पे है कि कितने बार इसके पैसे कटते हैं हफ्ते के। ओ
तो फिर वो भी हफ्ते के पूरे पैसे मिलने लगे क्योंकि अब्बा भी आते टीवी पे। मैंने ज्यादा नहीं देखे बट मैंने एक वो पूरा देखा है जब आपकी बहन की शादी थी। अरे वो तो कमाल था। और मैं वहां नहीं आ पाया था, मैं वो सबसे बड़ा कुछ आई थिंक काम था इन्हें मेरा, है ना, जब आप मेरी बारी है। ये शो मिलने के बाद इसके तेवर बदल गए। छूटने के बाद वापस वैसा हो भी तो जाता हूँ। थोड़े दिनों की बात होती है। How often does this happen? Every one and a half year? ये 2-3 times, that's it. मैं in one month. Yeah. मैं कहने को 10-15 शो कर लेता हूँ, but 4 महीने दिखता कहाँ? जवाब देता हूँ तो आपकी जो बहन की शादी थी, जो पूरा संगीत सेरेमनी थी, वो सारे मैंने पूरा एक एक दो दो बार देखा, जो डांस कर रहे थे आप लोग, मैंने बहुत मिस किया है। उसके आगे भी देखो अच्छे फनी फनी स्केचेस। एंड दैट वाज द बेस्ट डे, लाइक सीरियसली जितना मजा संगीत में आया, जितना मजा शादी में आया, बहुत कमाल। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी ये कोई नई बात नहीं भाजी, हर बंदा अपनी बहन की बधाई पर रोता है, लेकिन बहन का प्यार मिलना और बहन लाइफ में होना बहुत जरूरी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह है और आप मेरी बहन है, भी आपकी बहन है। ओके फिर ठीक है। तो हम अपनी बहनों को कहना चाहते हैं दैट वी लव यू, थैंक यू फॉर बीइंग आवर सपोर्ट, हैप्पी ब्रदर्स, वी लव यू मुस्कान दी, मुस्कान दी, ज़ेबा दी, ज़ेबा दी, हिंदी दीदी, मेरी कोई दीदी नहीं की। अच्छा, ज़ेबा दी, मुस्कान दी, ज़ेबा दी एंड मुस्कान दी एंड दीक्षा दी। आई पर्सनली लव यू क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। हम भी पर्सनली लव कर नहीं, आप लोगों की तो प्रोफेशनल। अरे यार कोई स्पाइसी लाया तो बताओ, मेरे जैसा बंदा भाई साहब, मतलब ऐसा लग रहा है चक्कर में डूबोगे, चक्कर में डूबोगे, चाशनी चाशनी इश्क के चाशनी, वैसा था ना कुछ टाइप। तो ये लेवल 4 का सॉस हैरिसा सॉस जो बहुत स्पाइसी है, ये लो अब तो ये ऐसी तैसी, ये उड़ीसा से होगा। हां उड़ीसा से हैरिसा, चलो पाजी सेम, मतलब मजा ही नहीं आ रहा। आए पनीर ये लो, तू अपने पूरा हाथ भी ऐसे कर। मैं तो फिर चाटता भी हूं पूरा तरीके से। ओके ओके, सो सवाल पूछा जाए और हम तब तक खाते हैं। 3-2-1 गो। लगता ये होने वाली है। अच्छा 5 ओके जनाब, इसको यहीं पे बंद करते हैं क्योंकि अगला एपिसोड बड़ा जबरदस्त होने वाला है। अगला एपिसोड नहीं मतलब क्या कहते हैं उसे यार, क्या कहते हैं उसे मुझे याद नहीं आ रहा। अगला पार्ट बड़ा जबरदस्त होने वाला। ओके इस पार्ट में स्टार्टिंग पे जहाँ पे इन्होंने बताया ये इनकी सीजन 2 की मतलब 2 मिलियन सब्सक्राइबर के बाद इनकी पहली वीडियो थी, तो कहना चाहूंगा कि मोहिना को हम लोगों ने बहुत ज्यादा मिस किया। मोहिना भी मिस यू, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, बाकी कोई करे ना करे, मैं तो आपको बहुत करता हूँ, मैं आपकी बहुत ज्यादा वीडियो देखता हूँ, बहुत ज्यादा शौक से देखता हूँ। आते हैं वीडियो के ऊपर। ओके इसका आने वाला पार्ट 2, तो मैं पार्ट 2 पे अभी रिएक्शन दूंगा और अपलोड भी करूंगा। अभी जहां तक बात की है मोहसिन खान की तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त, अभी तक जहां तक इसका चैलेंज हुआ तो इसमें ज़्यादा कुछ स्पाइसी तीखा तूखा नहीं दिखाया गया, लेकिन मुझे लगता है अगले में काफ़ी ज़्यादा होने वाला क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा एंड में 2 भी कंटिन्यू में दिखाया गया, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं देखना था। मैं सोचा अभी दूसरा एपिसोड देखता हूँ, मतलब ये दूसरा पार्ट देखूंगा, तो आप इसके बाद अभी दूसरे पार्ट का इंतजार करें, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा, दूसरे पार्ट में इंतजार बात करूंगा, ठीक है। बाकी मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए इंतजार करें, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आए मिलकर देखते हैं दूसरा पार्ट भी इसके बाद। अल्लाह हाफिज़, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलेगा, ठीक है।